राम राम सभी भाइयों को। तो आज अपन आप सभी के लिए लेके आए हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के 16 क्वेश्चंस 17 18 और 19 18 19 के। तो जो अपन ने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सोल्व पेपर किया था तो लगभग सभी क्वेश्चन उसी में से आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि एंटोमोलॉजी में भी ऐसा कुछ सीन रहेगा आने वाले पेपर में। ठीक है, पहला है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। पहला है पर्ण खनक लीप माइनर किस गण से संबंधित है। पर्ण का है लीप माइनर किस गण से संबंधित है, तो यह है डिप्टेरा गण से संबंधित है दोस्तों, यह है डिप्टेरा गण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग से इलेक्ट्रा जुड़ा रहता है। शरीर के कीट के शरीर से इलेक्ट्रा भाग से जुड़ा रहता है दोस्तों, जुड़ा रहता है थोरेक्स भाग से। थोरेक्स भाग से इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरेक्स भाग। इसके बाद में वर्गीकरण की बुनियादी इकाई कहलाती है। वर्गीकरण टेक्सोनोमी जो होती है उसकी बुनियादी इकाई होती है वो होती है जाति या स्पीसीज। वर्गीकरण की बुनियादी इकाई कहलाती है वो होती है स्पीसीज या जाति। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से सुन भी लोगे तो आप एंटोमोलॉजी के पेपर में जो बेक आने की संभावना रहती है वो शायद ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में चौथा, कूदने वाली टांगे पाई जाती है। जो कूदने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर फुदक फुदक के चलने वाले कीट हैं वो किस में पाई जाती है, वो ग्रास ऊपर टिड्डी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ग्रास ऊपर। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, नर टिड्डे में जननांग खंड पर स्थित होते हैं। नर टिड्डे में जननांग खंड किस पर स्थित होते हैं, वो नवे खंड पर स्थित होते हैं। नर टिड्डे में जननांग खंड कहाँ पर स्थित होते हैं, वो नवे खंड पर स्थित होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हाइमेनोपटेरा गण में कौन से कीट आते हैं। जो हाइमेनोपटेरा गण है उसमें कौन कौन से कीट आते हैं, इसमें वाइट आंट, सफ़ेद मक्की, सफ़ेद चींटी, आंट्स, एलिफोन, बियर, वेपस, ये आदि कीट हाइमेनोपटेरा गण में आते हैं। इसके बाद में मई फ्लाई जो कीट है किस गण से संबंधित है। गण आपको अच्छे से याद कर लेना है। माई फ्लाई किस गण से संबंधित है, वो है इपमेनो पटेरा, इपमेनो पटेरा। ठीक है, इसके बाद में आठवां, कोलियो पटेरा में अग्रपंख रूपांतरित तो हो जाते हैं। जो कोलियो पटेरा गण में जो कीट आते हैं उनके अग्रपंख किस में रूपांतरित तो हो जाते हैं, वो हो जाते हैं इलेक्ट्रा में, इलेक्ट्रा में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा। ठीक है, इसके बाद में नौवां, किस प्रकार के ओरियोलोसिस में पोषक सेल अनुपस्थित होते हैं। किस प्रकार के ऐसा गण है जिसके अंदर ओरियोलोसी में पोषक सेल होती है, जो कोशिकाएं होती है वो अनुपस्थित होती हैं, वो होती है पेनोस्टिक में। ठीक है, बटरफ्लाई में पेराबेसिस एरिसिस मुक्त किस भाग से उत्पन्न होता है। जो बटरफ्लाई में पेराबेसिस एरिस मुक्त किस भाग से उत्पन्न होती है, वो पेराबेसिस भाग से उत्पन्न होती है बटरफ्लाई में। ठीक है, इसके अंदर एक ही साथ सोल्व किया गया है 17 और 18 और 19 का पेपर। तो लगातार ही 10वें क्वेश्चन के बाद में 11वां क्वेश्चन जो 17, 18, 19 में आने वाला था वो एक साथ ही जोड़ दिया गया है। सिर की प्रोनेथस स्थिति पाई जाती है, प्रोनेथस स्थिति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है ग्रास होपर में, किस कीट में पाई जाती है। फिर अगला है 12वां, कंदाकार श्रृंगिका का उदाहरण है। कंदाकार जो श्रृंगिका पाई जाती है वो किस कीट में पाई जाती है, वो पाई जाती है मोथ में। लेपिडो पटेरा गण का कीट है मोथ, इसमें कंगाकार सरंगिका का उदाहरण है। इसके बाद में च्युइंग एंड लेपिंग टाइप मुखांग पाए जाते हैं। जो चबाने और लेपिंग करने वाले मुखांग पाए जाते हैं वो किस में, चबाने हुए चूसने वाले और काटने वाले, वो हनी वी मधुमक्खी और वेपस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट मेडिबल अनुपस्थित होती है। जो राइट मेडिबल अनुपस्थित होती हैं वो किस कीट में अनुपस्थित होती है, या आपको उसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ से राइट लगा लेना।
इसके बाद में 15वां हेमीलाइट्रोन पंखों का उदाहरण है। हेमीलाइट्रोन जो पंखे होते हैं वो किसका उदाहरण है, कौन से कीट का उदाहरण है, तो ये बिटलेस जो कीट है उनका एक उदाहरण है। पेरिन्यूस्टिक श्वसन पाया जाता है। पेरिन्यूस्टिक प्रकार का श्वसन किस कीट में पाया जाता है, वो पाया जाता है प्यूपा और डिप्टेरा गण में। प्यूपा जो अवस्था रहती है उसमें और डिप्टेरा गण के कीटों में। इसके बाद में 17वां है स्पेरमाइटिका भाग है। स्पेरमाइटिका भाग है किसका भाग है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पेरमाइटिका भाग पाया जाता है। इसके बाद में 18वां है कुल लाई गिडी संबंधित है। जो कुल लाई गिडी संबंधित है वो किस कीट से संबंधित है, वो है हेमीपटेरा गण के कीटों से संबंधित है कुल लाई गिडी। एक बार गण और कुल वंश ये एक बार तो ज़रूर याद कर लेना, ये ज़रूर 100% पूछे जाएंगे। एनोफेलीज स्पेसीज संबंधित है। जो एनोफेलीज स्पेसीज है वो किससे संबंधित है, वो है कुलिसिडी। कुलिसिडी जो गण है कुल है उससे संबंधित है। पंख छितरे हुए पाए जाते हैं। पंख छितरे हुए मतलब सीधे सीधे किस गण में पाए जाते हैं, वो है थाइसेनोपटेरा में। थाइसेनोपटेरा गण में पंख छितरे हुए पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं अगले, तो इसमें है पहला प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी। जो प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की पुस्तक है वो किस वैज्ञानिक ने लिखी थी, ज़रूर याद करना, रॉबर्ट अर्सव है जिसने प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा है ड्रैगन फ्लाई ओडोनाटा गण से संबंधित है। जो ड्रैगन फ्लाई है वो किस गण से संबंधित है, वो है ओडोनाटा गण है जिससे ड्रैगन फ्लाई का संबंध गण से संबंधित रखती है ड्रैगन फ्लाई। अनिषेचित अंडे के विकास को कहते हैं। जो अनिषेचित अंडा रहता है उसके विकास को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिथेनोजेनेसिस। पेरिथेनोजेनेसिस कहा जाता है अनिषेचित अंडे को। चौथा क्वेश्चन है लेगलेस लेरेव लार्व। लेगलेस जो टांग रहित लार्वा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे एप्टोवस कहा जाता है। इसमें ऐसा लार्वा जिसमें टांग रहित टांगे अनुपस्थित होती है। संसार में परिचित कीटों की कुल जातियां पाई जाती है। संसार में जितनी भी जातियां हैं कुल जातियां कितनी है, वो है 5.5 मिलियन है। 5.5 मिलियन है। इसके बाद में छठा है टार्सस के पंखों के बीच में चिपकने वाली पेड़ जैसी संरचना क्या कहलाती है। जो टार्सस है वही कहलाती है, पंखों के बीच में चिपकने वाली पेड़ जैसी संरचना क्या कहलाती है, वो कहलाती है टार्सस कहलाती है। इसके बाद में 7वां मेलपिगिन नलिकाओं का कार्य है। मेलपिगिन जो नलिकाएं होती है कीटों में उनका क्या कार्य होता है, उनका कार्य होता है एक्सटर्नरी ओस्मोग्लेसरी ऑर्गन्स। जो एक्सटर्नरी भाग होते हैं उनको, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको मेलपिगिन नलिकाओं द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद में सरसों की आरा मक्खी किस कुल से संबंधित है। सरसों की जो आरा मक्खी है वो किस कुल से संबंधित है, वो है थिंथ्रेडेनिलेड कुल से संबंधित है। इसके बाद में 9वां मादा कीट शुक्राणुओं को किस में संग्रहित करती है। जो मादा कीट है वो अपने शरीर के अंदर शुक्राणुओं को कहाँ पर एकत्रित करती है, वो करती है स्पर्मा थिका में संग्रहित करती है। मादा कीट शुक्राणुओं को स्पर्मेथिका में संग्रहित करती है।
किस प्रकार के एंटीनम रेशे किस में पाए जाते हैं? जो एंटीनम रेशे हैं वो किस प्रकार के रेशम कीट में पाई जाती है? वो पाई जाती है बायो बी पेक्टिनेटेड प्रकार के एंटीनम रेशम कीट में पाए जाते हैं। इसके बाद में 11वां, चक्राकार किस कीट में पाए जाती है नर में? जो चक्राकार एंटीना मेंगोमेली बग कीट में पाई जाती है, जो चक्राकार अवस्था रहती है वो किस में पाई जाती है? एंटीनिक मेंगोमेली बग में, जो आम की गंध बग है उसमें चक्राकार अवस्था पाई जाती है। 12वां है स्पेनोंगिंग माउथ पार्ट्स बटरफ्लाई एंड माउथ किस कीट में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बटरफ्लाई और मोथ। जो मोथ है स्पोनिंग माउथ किस में पाए जाते हैं? वो बटरफ्लाई और मोथ कीट प्रकार में पाए जाते हैं। खोदने वाली टांगें गोल क्रिकेट में पाई जाती हैं। खोदने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं? वो मोल क्रिकेट में पाई जाती है। जो खोदने वाली टांगें होती है वो मोल क्रिकेट में पाई जाती है। सिरा पंख की कोस्टल सीमा पर होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सिरा पंख की कोस्टल सीमा पर होती है। इसके बाद में 15वां, बुर्सा कॉम्प्लेक्टिस का भाग है। बुर्सा कॉम्प्लेक्टिस किसका भाग है? सिस्टेमा नेचुरू के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लीनियस। इसके हैं कैरोलस लीनियस। इसके बाद में 17वां, स्पेटेड बॉलवर्म कीट का कुल है। जो स्पॉटेड बॉलवर्म है उस कीट का कुल कौन सा है? उसका है नोक्टूडी कुल से संबंधित है स्पोटा बॉलवर्म। इसके बाद में 18वां, स्केरी फॉर्म लार्वा गण में पाया जाता है। जो आपके सामने जिनके आंसर नहीं है कृपया करके आप ढूंढने की कोशिश ज़रूर करें एक बार। तो स्केरी फॉर्म लार्वा गण किस गण से संबंधित हैं? फिर 19वां, संखी लेपिडोपटेरा में पाया जाता है। संखी जो लेपिडोपटेरा है वो किस गण में पाया जाता है संखी प्रकार के? 20वां है, हेमीपटेरा में रूपांतरण पाया जाता है। जो हेमीपटेरा है उसमें किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? ये पाया जाता है हेमीटाबोलस है रूपांतरण प्रकार का पाया जाता है हेमीपटेरा में। इसके बाद में डेफिनेशन द फॉलोइंग, एक एक की डेफिनेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे। पेडाजिनेसिस किसे कहते हैं? पेडाजिनेसिस एक जीव द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया है। पेडाजिनेसिस है ये एक जीव द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें जीव शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होता है। ये संतानोत्पत्ति से जुड़ी प्रक्रिया है जहाँ किशोर अवस्था में यौन परिपक्वता पाई जाती है। जो पेडाजेनेसिस है वो संतानोत्पत्ति से जुड़ी प्रक्रिया है जो किशोर अवस्था और यौन परिपक्वता में पाई जाती है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा जो है वो है बायोमियल निमोलेटिकर है। जीव विज्ञान में द्विनाम पद्धति प्रजातियाँ जीवों के नामकरण की एक औपचारिक प्रणाली है जिसमें जीव के वैज्ञानिक नाम में पहला नाम वंश एवं दूसरा नाम प्रजाति स्पीसीज लिखा जाता है। बायोमियल में लिखा जाता है। एक पुस्तक है जिसमें द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पहले तो वंश लिखा जाता है, फिर दूसरा शब्द प्रजाति या जाति लिखा जाता है। इसके बाद में 3रा है सिबलिंग स्पीसीज। जो सिबलिंग स्पीसीज है वे प्रजातियां जो दिखने में व्यवहार में और अन्य विशेषताओं लक्षणों में बहुत समान हो लेकिन अंतः प्रजनन करने में असमर्थ हो तथा वे सामान्य बच्चे उत्पन्न करने में भी असमर्थ हो या उनके बच्चे एबनॉर्मल पाए जाते हैं वो सिबलिंग प्रकार की जातियों में पाए जाते हैं। इसके बाद में 4था है टेंट्रोयम।
टेंथोरियम, ये आंतरिक कंकाल कक्षे हैं होता है जिसके अंदर कीट का शरीर रखा जाता है। ये कीट का हेड कैप्सूल है जो टेंटोरियम बाग है, जहाँ पे आंतरिक कंकाल कक्ष रखा जाता है कीट का, कीट के अंदर का शरीर का भाग, ये कीट का हेड कैप्सूल कहलाता है। फिर ये पांचवा, विंग वेनस पंखों पर सिराओं का विन्यास, पंख सिरा विन्यास कहलाता है। जो सिरा विन्यास है वो पंखों पर सिराओं का विन्यास, पंख सिरा विन्यास कहलाता है, जिसका प्रयोग कीट वर्गीकरण में बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो पंखों का काम होता है वो उड़ने में मदद करता है कीटों को। छठा है टेरिगोटस। टेरिगोटस इस उपवर्ग में कीट पंख युक्त पाए जाते हैं। ये क्लास इंसेक्टा की सब क्लास है। जो क्लास है ये कीटों की सब क्लास कहलाती है टेरिगोटस। इसके बाद सातवा है ओब टेकर प्यूपा। इस प्रकार के प्यूपा में उपांग लेग, जो टांग है, पंख है, वो एर्थनन शरीर में से चिपके हुए पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इसका उदाहरण है ओब्डेकस प्यूपा का। आठवां है सेलेक्शन स्केलेरोटीन। सेलेक्शन में स्केलेरोटीन विभिन्न ऑर्थोपोडा के सिट्र का है। एक सूटिकल क्यूटिकल का एक घटक है। स्केलेरोटीन विभिन्न ऑर्थोपोडा के क्यूटिकल का एक घटक है। ये प्रोटीन अणुओं के विशेष वर्गों के क्रॉस लिंकिंग सदस्यों द्वारा बनाई एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे स्केलेरोटाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्यूटिकल की एक प्रोटीन नामक एक क्यूटिकल बनी होती है, जो कीटों की एक मुख्य विशेषता है। नौवां है सतूर। हेड कैप्सूल स्केलेराइटिस का एक क्यूटिकल प्लेट्स की संख्या के मिलन से बनता है। जो सतूर है हेड कैप्सूल के स्क्लेरोइड्स का क्यूटिकल प्लेटों की संख्या को एक साथ संग्रहित करने पर मिलता है, उसे सतूर कहा जाता है। दसवा है ओपिडियम। ठीक है, ये शरीर के विशेष रूप से शरीर सिर में आंतरिक कंकाल की आंतरिक वर्दी है, इसे एपोडियम कहा जाता है। जो एपोडियम में उस शरीर के आंतरिक कंकाल की आंतरिक वर्दी है, इसे एपोडियम कहा जाता है। ये शरीर की मांसपेशियों को कठोर सहारा प्रदान करता है। यह शरीर की मांसपेशियों को कठोरता प्रदान करता है। इसके बाद में डिफरेंट वाले क्वेश्चन हैं, जो डिफरेंट का ये इंसेक्ट और माइट्स का है, ये लास्ट लास्ट के पेज में दिया गया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इंसेक्ट और माइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, पराग कण एकत्रित करने वाली फोर्जिनल और खोदने वाले कीटों में अंतर लिखना है। तो पहले हैं पराग कण एकत्रित करने वाले कीट। इनकी पश्च टांगें पोलन कलेक्टिंग लेग्स में रूपांतरित हो जाती है, और जो खोदने वाली है इनकी अगली जोड़ी टांगे खोदने वाली टांगों में रूपांतरित हो जाती है। ये टांगे लंबे एवं घने बालों से घिरी रहती है या ढकी रहती है। जो परागण करने वाले कीट हैं इनकी टांगे लंबे एवं घने बालों से ढकी रहती है, और जो खोदने वाली हैं इनकी टांगे छोटी मोटी व शक्तिशाली होती है। टीबिया चपटी व चौड़ी होती है परागण में, और टीबिया का अगला सिरा खुरपे के आकार का, इस प्रकार की टांगे खोदने का कार्य करती है, और इस प्रकार की टांगें पोलन कलेक्शन या परागकण को एकत्रित करने का कार्य करती है। इसके अंदर उदाहरण है वर्कर बी, जो हनी बी है मधुमक्खी, इसका परागकण एकत्रित करने वाली का उदाहरण है। और जो मोल क्रिकेट वो खोदने वाली का उदाहरण है। इसके बाद में तीसरा, हेमोपटेरा और हेट्रोपटेरा में अंतर। इसमें पंख समान टाइप प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के पंख पाए जाते हैं हेमोपटेरा में, और हेटेरोपटेरा में इसमें पंख डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं।
अगली जोड़ी पंख मोटाई, रंग व बनावट में एक ही समान की होती है। जो हेमिपटेरा गण में अगली जोड़ी पंख मोटाई व रंग व बनावट में एक ही समान की होती है। जो हेटेरोपटेरा है इसमें पिछला पंख मेमोबोरिस व अगला पंख आधार पर मोटा व अंत में झिल्ली नुमा होता है। मेमोबोरस व अगला पंख आधार पर मोटा व अंत में झिल्ली नुमा होता है पिछला पंख। हेमिपटेरा में प्रोनोटम छोटा होता है। जो इनका प्रोनोटम है टांग का प्रकार है वह छोटा होता है, प्रोनोटम बड़ा होता है। मेटामोरफोसिस सैंपल बट सम केस इन कंप्लीट। मेटामोरफोसिस जो अवस्था होती है वो सिंपल होती है, वो सेम होती है। मेटामोरफोसिस सिंपल पाया जाता है। हेमिपटेरा का उदाहरण है वो है ट्रूबग। ट्रूबग इसका उदाहरण है। इसके बाद में चौथा, पेरतोजिनेसिस और पेडोजिनेसिस में अंतर। पेरतोजिनेसिस और पेडोजिनेसिस में अंतर, पहला है डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिगेशन ऑफ एन वर्म। जो विदाउट फर्टिगेशन के द्वारा ही उत्पन्न होता है वो पेरतोजिनेसिस कहलाता है। और पेडोजिनेसिस अपरिपक्व अवस्था में ही लार्वा द्वारा प्रजनन के कार्य को पेडोजिनेसिस कहा जाता है। इसके उदाहरण है इंसेक्ट और लिजेब्रे इत्यादि। इसमें निषेचन, पेडोजिनेसिस में निषेचन नहीं होता है और इसमें निषेचन होता है। इसके बाद में शॉर्ट नोट्स है वो है, पहला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल। जो इंसेक्ट की क्यूटिकल होती है उसके बारे में पूरा वर्णन करना है। तो पहला है क्यूटिकल की तीन परतें पाई जाती है। ये सबसे बाहरी व कठोर परत होती है जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्यूटिकल की तीन परतें पाई जाती है, ये सबसे बाहरी व कठोर परत होती है जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। देर आर थ्री लेयर, मतलब तीन प्रकार की परतों से मिलकर बनी होती है। पहली है एपिकोटाइल, ये क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत होती है। एपिकोटाइल है जो क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत होती है। इसके बाद में बी एक्सो क्यूटिकल, जो एक जो क्यूटिकल है ये क्यूटिकल की मध्य की परत होती है। ये कठोर परत होती है जो क्यूटिकल व प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद में तीसरी है एंडो क्यूटिकल, ये क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत होती है। ये मुलायम एवं लचीली होती है। तीन प्रकार की क्यूटिकल की परतें हैं, एपिक्यूटिकल, एक्जोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। इनके कार्य हैं, जो फंक्शन है, क्यूटिकल शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करती है। जो कीट है उनमें क्यूटिकल का कार्य होता है वो शरीर में आंतरिक भागों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा कार्य मांसपेशियों को जोड़ने के लिए पॉइंट प्रदान करती है, जो मांसपेशियों को जोड़ने का सहारा प्रदान करती है। क्यूटिकल शरीर से पानी की हानि को रोकती है। जो पानी की हानि होती है शरीर में, कीटों के शरीर में, उनको क्यूटिकल रोकती है। दूसरा है डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स इन इंसेक्ट विथ एग्जाम्पल, जो विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं पंखों में वो कीटों में एग्जाम्पल सहित आपको समझाना होता है। पहला है टिगमिना, जो टिगमिना प्रकार का पंख है, टिगमिना में पंख मोटे कठोर व लेयर होते हैं। जो टिगमिना में पंख होते हैं वो मोटे व कठोर लेयर युक्त होते हैं। इनका उपयोग अधिक कमजोर हैंड विंग की रक्षा के लिए किया जाता है। जो कमजोर होते हैं हैंड विंग, इनकी रक्षा के लिए कार्य किए जाते हैं। इसका उदाहरण है ग्रास ओपर और प्रेमिंग मेंटिस। ग्रास ओपर और प्रेमिंग मेंटिस इनका टिगमिंग का उदाहरण है। दूसरा है इलेट्रा, इलेट्रा प्रकार के पंख, अग्र पंख मोटे व कठोर तथा पश्च पंख झिल्ली नुमा होते हैं। और इनका उदाहरण है कोलियोपटेरा गण के बिट्टल। कोलियोपटेरा गण के बिट्टल है, कीट हैं उनका ये उदाहरण है। तीसरा है हेमिलो इट्रा,
हेमिलेट्रा। हेमिल अग्र पंख आधार पर मोटे व अंत में आधे मेम्रोबोसिस होते हैं, उदाहरण हेमिपटेरा गण के कीट। चौथा है हेलिपेयर्स। हेलिपेयर्स पश्च पंख क्नोबेल या धागे नुगा जो शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं और इनका उदाहरण है डिप्टेरा गण के कीट। और पांचवा है ब्रांचिपटेरा। ब्रांच इनमें पंख छोटे रूप में पाए जाते हैं और इनके उदाहरण है ग्रास ओपर या टिड्डा। तीसरा है इसमें तीसरा क्वेश्चन है एंडोक्यूरिन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र किस कीटों में अंतःस्रावी तंत्र है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट निकलना है और टिप्पणी करनी है। तो इसका आंसर है कीट के शरीर के अगले भाग में बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। कीट के शरीर में अगले भाग में बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां रुधिर में सीधा हार्मोन्स स्रावित करती है। कार्य की दृष्टि से ये एक समन्वित और संतुलित तंत्र बनाती है जो भ्रूण तौर परिवर्तन और मेटामोर्फोसिस का नियंत्रण करता है अंतःस्रावी तंत्र में। और इसका चौथा है करेक्टेस ऑफ ऑर्डर आइसोपटेरा, जो आइसोपटेरा गण के जो कीट है उनके करेक्टर्स कैसे हैं, उनके लक्षण किस प्रकार के हैं। जिसमें जो इनका गण है वो किससे संबंधित है, वो टर्माइट से संबंधित है, दीमक से संबंधित है। कीटों का शरीर छोटा से बड़ा और मुलायम होता है। पोलियोफॉर्मेसिस बहुरूपता पाई जाती है, जो पोलीफॉर्मेसिस है बहुरूपता इन कीटों में पाई जाती है आइसोपटेरा गण के कीटों में। ये सोशल कीट होते हैं आल आंट्स लेयर टोगिने, मतलब ये सोशल कीट इस प्रकार से हैं कि समूह बनाकर एक साथ रहते हैं। मेटामोर्फोसिस इनका सिंपल होता है एंटीना मोनिलीफॉर्म कंपाउंड आइज और एंड लिली एब्सेंट एलील इनमें एब्सेंट होता है, कंपाउंड आइज में पाई जाती है। बोथ पेरिस ऑफ विंग दो प्रकार के पंख होते हैं आर सिमिलर एलियन साइज इक्विलियन साइज एक ही साइज के होते हैं। ट्राई फोर सिगमेंट ट्राइज सिगमेंट पाए जाते हैं इनमें वेरी स्मॉल केयरिंग वेरी स्मॉल माउथ पार्ट बीटिंग एंड च्यूइंग चबाने व चूसने वाले लिविंग ऑर्डर ग्राउंड ये अंदर धरती के अंदर रहती है। बॉडी सॉफ्ट इनकी बॉडी जो है मुलायम होती है। एब्डोमन होता है बोल्डिंग जॉइंट विथ हैंड इनका जो सिर है वो जुड़ा हुआ प्रकार का रहता है। ये ऑर्डर ऑफ आइसोपटेरा के लक्षण हैं करेक्टरिस हैं। इसके बाद में एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द डिटेल, ये छठवा जो क्वेश्चन आता है उनका है एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पहला डिस्क्राइब द फोर फैक्टर ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल, उड़ने की क्षमता इनका पहला जो एग्जाम्पल है उड़ने की क्षमता कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। कीटों में पंख पाए जाते हैं जो एक जो टोन के पार्श्व स्तर हैं। कीट सबसे प्रारंभिक जानवर हैं जो एकमात्र उड़ने वाले अकशेरुकी गण में आते हैं। इनका दूसरा है एग्जाम्पल है एब्डोप्टिलिटी एंड यूनिवर्सिटी एब्डोप्टिलिटी, मतलब ये कीट पृथ्वी पर अपनी जिंदगी बनाने और मिट्टी और पानी के विशाल निवास स्थान पर कब्जा करने के लिए सबसे प्रारंभिक समूह है। ये जलवायु पारिस्थिति की विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है 50 डिग्री से 40 डिग्री माइनस 50 से प्लस 50 40 डिग्री तापमान तक भी ये पाए जाते हैं। जो इनकी शरीर की क्रिया है वो किस प्रकार से वातावरण के अनुरूप अनुकूलित कर लेते हैं अपने आप को। तीसरा उदाहरण इनका एग्जोस्केलेटन, एग्जोस्केलेटन
कीट बॉडी को एक स्केलेटन नामक एक बाहरी झिल्ली के साथ कवर किया जाता है जो कि काइटिन नामक प्रोटीन से बना होता है ये वजन में हल्की एवं कीट बॉडी को ताकत, कठोरता व लचीलापन प्रदान कराती है। इनका चौथा उदाहरण है रेस्पिराइजेशन सिस्टम, जो इनका श्वसन तंत्र सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है। ये सक्रिय रूप से ऊतकों को श्वास लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। कीट के बंद तंत्र के माध्यम से घुमाव हवा को स्वीकार करते हैं और पानी के नुकसान को प्रतिबंधित करते हैं। जो कीटों के शरीर में पानी का नुकसान होता है उन्हें भी ये रोकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामोर्फोसिस इन इंसेक्ट अलोंग विथ सुटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल थ्री टाइप प्रकार के इनके मेटामोर्फोसिस सिस्टम हैं और इनका एक डायग्राम, एक चित्र भी बनाना है। पहला है एमेटामोर्फोसिस। इस प्रकार के रूपांतरण में कीट में मेटामोर्फोसिस क्रिया नहीं होती है। ये कीट जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो वयस्क कीट के समान ही दिखाई देते हैं, परंतु इनका आकार छोटा होता है। जो एमेटामोर्फोसिस है इसमें कीट का रूपांतरण, मेटामोर्फोसिस क्रिया नहीं होती है। जब ये अंडे से बाहर निकलते हैं तो वयस्क कीट के समान ही दिखाई देते हैं, पर इनका आकार छोटा ही होता है। ये बाद में वृद्धि करते हैं। उदाहरण है इनका सिल्वर फिश, जो सिल्वर फिश है जो एमेटामोर्फोसिस का उदाहरण है। दूसरा है सिंपल मेटामोर्फोसिस इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस होता है। इस प्रकार के रूपांतरण वाले कीटों के जीवन चक्र में तीन अवस्थाएं, अंडा, निम्फ व वयस्क शामिल होती है। जो सिंपल मेटामोर्फोसिस होती है इन तीन चक्रों में पूरा होती है। निम्फ में पंख एब्सेंट एवं जनन अंग अविकसित निम्फ निर्मोचन करता है। वयस्क कीट में बदल जाता है। इस रूपांतरण में प्यूपा अवस्था अनुपस्थित होती है। एग्जाम्पल है इसके ग्रास ऑपर बग, जो टिड्डी है, ग्रास ऑपर बग, फेरमेटिस, तीन प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, अंडा, निम्फ और अडल्ट। तीसरा करेक्टिस है इनका कंप्लीट मेटामोर्फोसिस। जो कंप्लीट मेटामोर्फोसिस है इन कीटों में जीवन चक्र के चार चरण, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, जो इनकम्प्लीट में तो तीन थे और कंप्लीट में चार प्रकार की चरण अवस्थाएं, जीवन चक्र चरण पाए जाती है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क शामिल होते हैं। लार्वा कीट शरीर की रचना व कीट की आदत दोनों से भिन्न होता है। इस रूपांतरण में कीट प्यूपा अवस्था में पंखों का निर्माण करते हैं और इन्हें अंतरपंखी भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं बटरफ्लाई, बेटल्स, मोथ एंड इत्यादि, जिनके अंदर चार उपअवस्थाएँ पाई, जीवन चक्र की अवस्थाएँ पाई जाती हैं। तीसरा है इनके करेक्टरिस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑर्थोपटेरा। जो तीसरा क्वेश्चन है, जो करेक्टरिस्ट लिखने हैं अपन को, क्लासिफिकेशन ऑर्डर ऑर्थोपटेरा गण के उदाहरण सहित। इसमें द माउथ पार्ट आर बीटिंग एंड च्यूंगिंग, इनके जो मुख प्रकार है वो चबाने व चूसने वाले होते हैं। पेथोरोलेक्स प्रकार की लार्वे पाए जाते हैं। हिंडलेक्स मॉडिफिकेशन फॉर जंपिंग करने के लिए इनकी टांगें रूपांतरित हो जाती है। द इंसेक्ट में बी स्मॉल और बिंग वंस, ये छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। बॉडी इलोंगेटेड होती है इनकी। एंटीमिना स्टेटमेंट और फिलीफॉर्म प्रकार के होते हैं। तीसरा है एंटेमन शॉर्ट इन ग्रास ऑपर एंड लॉन्ग इन क्रिटिकल, जिनके एंटेमन है वो छोटा ग्रास ऑपर में एंड बड़ा क्रिकेट में पाया जाता है। कैरी के फुल डेवलपमेंट, जो इनकी सिरिंजी है वो फुल
डेवलपमेंट पूर्ण विकसित होती है। कंपाउंड आयन में पाई जाती है, कंपाउंड आयन विकसित होती है जो इनमें पाई जाती है। इट हैज हाइपोथिनेजिस हैंड, इनका हाइपोथिनेजिस प्रकार का सिर पाया जाता है। अडेप्टोविटी ऑर्गन्स इन सम स्पीसीज प्रजेंट, जो इनमें ऑडिटेरी ऑर्गन्स है वो इनमें स्पीसीज में पाए जाते हैं। फीमेल हैज वेल डेवलप्ड ओरी पोस्टर, प्रोथोमस लार्व लार्ज एक्सटेंड लेटरली एंड पोस्टेकली। क्लासिफिकेशन सम फेमिलेज दिस ऑर्डर, जो इनके फेमिली है इनके ऑर्डर हैं। फेमिली है एक्रिटिडी, एग्जाम्पल है ग्रास ओपर लोकस्ट। टेली गोडिस, टेली टी गोडी इनकी कुल है। इसमें है कार्ल डिडेड, गर्ली डे गर्ली डिडी गर्ली डिडी, एग्जाम्पल है क्रिटिकल घरेलू झिंगुर। गिलियोप टीडी इनका एग्जाम्पल है मोल एम किकलटी किक लेट। चौथा है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स विथ सूटेबल डायग्राम, जो तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम है किस कितने प्रकार के होते हैं और इनका सचित्र वर्णन करो। तंत्रिका तंत्र की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को तीन प्रकार से बांटा गया है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इनका एक ध्रुवी, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी। एक ध्रुवी होते हैं, इसमें एक तंत्रिका कक्ष होता है। द्विध्रुवी में इसमें प्रथम तंत्रिका कक्ष तथा दूरस्थ भाग में एक बड़ा ड्रैगन डाइट होता है। तीसरा है बहुध्रुवी मल्टीपोलर, इनमें प्रथम तंत्रिका कक्ष तथा दूरस्थ भाग में कई ड्रैगन डाइट प्रवर्धन होता है। और इनका सचित्र वर्णन है, इनका पहला है एक ध्रुवी, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी इनके उदाहरण है। ये चित्र सहित आपको एग्जाम में समझाना होता है। कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स को तीन प्रकार में बांटा गया है, जो कार्य होते हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहला है सिनोरेरी न्यूरॉन्स, जो सिनोसरी न्यूरॉन्स है ये आवेगों को ज्ञानेंद्रिय में से अंतर की ओर भेजती है, जो ज्ञानेंद्रिय की अंतर आवेगों को भेजती है। मोटर न्यूरॉन्स, जो मोटर न्यूरॉन्स है ये आवेगों को बाहर प्रेरक अंगों तक ले जाती है। तीसरा है असोक्सन और इंट्रक्शनल न्यूरॉन्स, ऐसी तंत्रिकाएं या कोशिकाएं जो अन्य प्रकार के बीज कड़ी के रूप में कार्य करती है, ये गुच्छिका के अंदर स्थित होती है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्रिलेटेड इन विथ सूटेबल डायग्राम, जो रक्त परिसंचरण तंत्र का आपको इनके अंदर चित्र सहित आपको समझाना है। रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, हृदय के निरंतर एवं प्रकुंजन तथा फैलाव क्रियाओं और प्रशिष्ट मध्यांड तथा प्रतिपृष्ठ मध्यगांड के रूप में ऊपर नीचे उठने के कारण ही रक्तभूर्ण की क्रिया संपन्न करता है। इसमें साथ ही साथ सहायक स्पंदन अंग भी इस क्रिया में सहयोग देते हैं। प्रकुंजन तथा अनुचलन की क्रिया सबसे पहले विलेय में प्रारंभ हो जाती है। जो रक्त परिसंचरण है आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जो रक्त परिसंचरण का डायग्राम है, जो चित्र है, वो इसको एक बार अवश्य देख लेना। जो रक्त परिसंचरण का चित्र है, ये टिड्डी का रक्त परिसंचरण तंत्र है। एक्सप्लेन इन द डिटेल द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो सातवां है, दस नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है, नेम इंसेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द करेक्टर्स ऑफ लेपिडोपटेरा और हेमिपटेरा विथ फ्यूचर और इन इम्पोर्टेंट फैमिली एंड एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल की दृष्टि से हैं, जो एग्रीकल्चर में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का ऑर्डर व गण आपको इनमें लिखना है, और हेमियोपटेरा गण का आपको पूरा वर्णन करना है इसके अंदर।
तो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट ऑर्डर हैं ऑर्थोपटेरा, आइसोपटेरा, हेमीपटेरा, थाइसोनोपटेरा, लेपिडोपटेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोपटेरा और कोलियोपटेरा। 8 प्रकार के गण हैं जो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हेमीपटेरा जो गण हैं ऑर्डर है इसका पूरा आपको वर्णन करना है। हेमीपटेरा दिस ऑर्डर इंक्लूड बग एंड जेसिड इत्यादि, जिसके अंदर जो कीट आते हैं वो बग और जेसिड प्रकार के कीट आते हैं। इनके करेक्टरिस्ट हैं, जो इनके करेक्टरिस्ट है, सूक्ष्म से लेकर मध्यम आकार के कोमल त्वचा वाले लंबे या अंडकार कीट होते हैं। मुखांग चुबाने व चूसने वाले पाए जाते हैं, जिसमें लेबियम लंबी चोंच के रूप में पाई जाती है। एंटीनेट 2 से 14 तथा कभी कभी 2 से 25 खंडों में विभाजित होती है। जो इनकी एंटीना है वो 2 से 14 तथा कभी कभी तो 2 से 25 खंडों में विभाजित रहता है। संयुक्त कंपाउंड आँखें उपस्थित होती है। ओलियो ओलीली उपस्थित या अनुपस्थित दोनों हो सकते हैं। पंख 2 जोड़ी कभी कभी नहीं भी होते हैं, जिन्हें एप्टेरोस कहते हैं। ट्रासी 1 से 3 खंडी क्रेजी नहीं होती है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव स्टडीज ऑन द करेक्टेस्ट, जो इनके मुख्य उद्देश्य हैं, लेपिडोपटेरा गण के आपको लेपिडोपटेरा गण का जो ऑब्जेक्टिव है सुटेड ऑन द करेक्टेस्ट, जो इनके करेक्टेस्ट आपको समझाना होता है लेपिडोपटेरा के। इनके करेक्टेस्ट है इट इज इंक्लूड बटरफ्लाई एंड मोथ, जो इनका करेक्टरिस्ट किस में पाया जाता है वो बटरफ्लाई एंड मोथ में पाया जाता है। एज नाम इट कंटेन स्केल विंग्स एंड बॉडी आल्सो, जो इनके पंख है वह छोटे व बॉडी प्रकार के पाए जाते हैं। लार्ज कंपाउंड आई, जो इनकी बड़ी और संरचित आँखें पाई जाती है। ओसीली प्रजेंट, इनके अंदर ओसीली पाई जाती है। बटरफ्लाई हैव क्रेव्ड एंटीना, जो इनकी बटरफ्लाई है जो कीट है उनमें एंटीना पाई जाती है। मोथ हैव पेक्टेंट और बी पेक्टेंट एंटीना, जो इनके मोथ में है पेक्टिनेट प्रकार की एंटीना पाई जाती है। एक बार 7, 8, 10, 11 इनके करेक्टरिस्ट हैं, इनको पढ़ लेना है। ग्रास ऑपर का तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना है। इनका पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तंत्र शरीर के अगले सिर से पश्च चिरे तक आहार नलिका के नीचे मध्य रेखा में स्थित होता है। इन्हें 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र में बांटा गया है, मस्तिष्कियाँ, परमस्तिष्क गुच्छिकाएँ, अधोग्रसिका गुच्छिकाएँ, अधतंत्रिका रज्जु। 3 प्रकार से टिड्डे का नर्वस सिस्टम बांटा गया है। एक बार इसको चित्र सहित आपको समझाना होता है और इसके करेक्टरिस्टिक भी लिखने। पहला है मस्तिष्क, यह इसोफेगस के ठीक ऊपर सिरे में टेंडोरियम को साधने वाले एपोडीमस के मध्य स्थित होता है। इसमें भी 3 प्रकार के हैं, अग्र मस्तिष्क या प्रोटोसेरम, दूसरा है मध्यम मस्तिष्क या डिटेरोसेरम, तीसरा है पश्च मस्तिष्क या ट्राइटोसेरम बम। इनका आपको एक बार देख के उदाहरण सहित लिखना होता है। इसके बाद में कीट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुखांग के नाम व चबाने वाले मुखांग को भोजन करने की विधि सहित समझाना है। ठीक है, ये कीट भोजन ग्रहण करने के आधार पर विभिन्न रूपों में परिवर्तित किए गए हैं। कीटों के विभिन्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। पहला है बिटिंग एंड च्यूइंग प्रकार के, जो ग्रास ऊपर जो क्रिकोचेस में पाए जाते हैं। सकिंग टाइप के प्रकार के जो माउथ पार्ट है वो एक बार सकिंग है। अदर टाइप है इसमें मास्क टाइप, डिग्रेट टाइप और इनके उदाहरण सहित आपको समझाना है। लेब्रम मध्यिकाए, कुछ हद तक आयताकार पारबल्लम जैसा मंडिका मंडियों को जोड़ा जाता है और ये आंतरिक सतहों पर दांतेदार किनारे होते हैं। वे भोजन को चबाने के लिए मांसपेशियों के 2 सेटों
द्वारा अनुप्रस्थ रूप से कार्य करते हैं। पहले मैगजिला को जोड़ा जाता है और मैंडिबल के पीछे सिर के कैप्सूल के दोनों ओर एक स्थित होता है। प्रत्येक में 5 संयुक्त मैक्सिबलरी पल्स होता है जो एक स्पर्शनीय अंग होता है। पहला मैगजिला भोजन को धारण करने में मदद करता है और दूसरा मैगजिला जोड़ा जाता है जो निचले होठों को बनाने के लिए जुड़ा हुआ होता है, जो भोजन को चबाने हुए धकेलने का कार्य करता है। हाइपोग्रसनी एकल मध्य जीभ जैसी संरचना होती है जिसके आधार पर सामान्य लार्वाइनी खुलती है। एपिवर्जक्स एक छोटा झिल्लीदार टुकड़ा है जो लेब्रम के नीचे पड़ा होता है। इन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं जो कीटों को स्वाद लेने में सक्षम होते हैं। चौथा है इनमें डिस्क्राइब विंग वेरिएशन विथ सुटेबल डायग्राम, जो पंख विन्यास है सिरा विन्यास है इनको विंग के जो सुटेबल डायग्राम है और इसके साथ आपको समझाना होता है। पंख के संपूर्ण सिरा तंत्र को सिरा विन्यास कहते हैं या इसे न्यूरोसन भी कहा जाता है। पंख के सिरा विन्यास को एक बार सिरा विन्यास के कार्य स्टोक और निधम ने दिया था 1898 में द्वारा प्रतिपादित व शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दूसरा है इन्होंने एक ऐसे परिकल्पित प्रकार के सिरविन्यास की रचना की। काम स्टोक और निधम के अनुसार सिरविन्यास 2 श्वास नलिकाओं से विकसित होता है। ये श्वास नलिकाएं पंख के आधार के पास एक आगे और दूसरे पीछे उपस्थित होते हैं। जो पंख श्वास नलिकाओं में 3-3 कुल 6 सिरा विन्यास निकलती है जिनको मुख्य सिराएं प्रिंसिपल वेरिस कहा जाता है। ये निम्न हैं कोस्टा रेंडिस मेडिस क्यूलेटस पेनुलुमेल अल्टीमेटेड। ये सभी प्रमुख सिरा विन्यास के आधार पर एक उपशाखा को जन्म देती है जिन्हें उप सिरा विन्यास कहा जाता है। इसके बाद में हैं उपरोक्त प्रकार का काल्पनिक सिरविन्यास जो त्यों किसी कीट में नहीं मिलता है और इनका सिरविन्यास का जो चित्र है एक बार इसको अच्छे से देखकर बना देना होता है। इसके बाद में टिड्डे में केशोषण तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो टिड्डा है ग्रास ऊपर उसके श्वसन चित्र का सचित्र वर्णन सहित रेस्पायरेटरी सिस्टम का वर्णन करना है। ऑर्थोपोड्स में श्वसन अंग की भारी विभिन्नता होती है। कीटों में फेंपड़े नहीं होते वरन इनके स्थान पर गैसों के आदान प्रदान के लिए देवगुआ के रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती है जिन्हें ट्रेकिया कहते हैं। पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी तो इसलिए आपको ऐसे ही मोटा मोटा समझा रहा हूँ। जो श्वसन तंत्र है टिड्डे का ये डायग्राम है, इसको एक बार बना लेना है। डायग्राम को 3 क्रिया व श्वसन छिद्रों के खुलने की संख्या के आधार पर केलिन व स्टीन ने श्वसन तंत्रिका का विस्तार वर्णन किया है जो निम्न प्रकार से हैं। पॉलिन्यूस्टिक श्वसन तंत्र, होलोन्यूस्टिक श्वसन तंत्र, हेमिन्यूस्टिक श्वसन तंत्र, पेरिन्यूस्टिक श्वसन तंत्र और है ओलिगोन्यूस्टिक श्वसन तंत्र। इसके बाद में इनके 3 उप भागों में विभक्त किया गया है, न्यूफिनिस्टिक श्वसन तंत्र, मेटान्यूस्टिक श्वसन तंत्र, प्रोन्यूस्टिक श्वसन तंत्र, 3 प्रकार से बांटा गया है। और चौथे प्रकार का है एन्यूस्टिक श्वसन तंत्र, हाइपोन्यूस्टिक श्वसन तंत्र। हाइपोन्यूस्टिक श्वसन तंत्र है इसमें टिड्डे के श्वसन 4 उप विभाजित किया गया है और 4 प्रकार से लंबा श्वास नलिकाएँ, आडी श्वास नलिकाएँ, वायु कोष, उप श्वास नलिकाएँ और दूसरे प्रकार से लंबा श्वास नलिकाएं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, पार्श्व श्वसन नलिकाएं और पृष्ठ श्वास नलिकाएं, प्रतिपृष्ठ श्वास नलिकाएं और ये टिड्डे का रेस्पायरेशी सिस्टम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में है आडी मतलब अलग अलग प्रकार के जो टिड्डे की संरचनाएँ हैं श्वसन क्रियाविधि के अनुसार तो ये एक बार समझाने होता है। एंडोरोगेटी का जो गण है उनके 4 गणों के नाम बताए, गण हाइमेन और पटेरा के लक्षण बताते हुए इसका
गुणों का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। जो एडोप्टेरा गोटा इंसेक्ट हैं इनमें कंप्लीट मेटामोरफोसिस पाए जाते हैं। इसके अंदर 7-8 ऑर्डर पाए जाते हैं। थ्रियोप्टेरा, न्यूरोटोडा, स्टेरोप्टा, कोलियोप्टेरा और इनके ऑर्डर है हाइमिनोप्टेरा का वर्णन करना है अपन को। एक बार हाइमिनोप्टेरा फैमिली एपिडीडी पाए जाती है इनकी एपिडेसी। इनकी टांगे मजबूत, पिछली टांगे की टीबिया में परागकण इकट्ठा करने की थैलियाँ होती है जो बालों की ढकी होती है। अंदर के उदर के अंत में एक डंक होता है जिसका प्रयोग सुरक्षा के लिए करती है। प्रोड 3 प्रकार के होते हैं, नर, मादा और सर्मिक, जो हाइमिनोप्टेरा में हाइमिनोप्टेरा गण में। एक है भारतीय मधुमक्खी एपिस इंडिका, सारंग मधुमक्खी एपिस डोरसाटा और सरंगा मक्खी एपिस फ्लोरा। ये एक लाभदायक कीट है जिससे मोम, शहद इत्यादि प्राप्त प्राकरण में सहायक होती है मधुमक्खियाँ। फैमिली है इनकी टोंट्रेडेसी। इस गुण के अंतर्गत सरसों की आरा मक्खी आती है, चूँकि इसके अंडे निक्षेप में आरिनुमा संरचनाएं होती हैं। इनका नाम साउफ्लाई पड़ा था। फैमिली अलग अलग प्रकार की फैमिली के आधार पर इन कीटों को अलग अलग वर्णीकरण किया गया है। जो अपना जो लास्ट में रह गया था डिफरेंट इंसेक्ट एंड माइट्स में जो अंतर था वो लास्ट के पेज में है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इंसेक्ट का जो डिफरेंट है, इनका एक जो स्लेटन काइटिन का बना होता है, जो 110 सिस्टम है इनका काइटिन का बना होता है, और माइट्स में इनकी बॉडी राउंडेड होती है जो गोलाकार होती है। बॉडी डिवाइडेड 3 पार्ट्स, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन। परिष्ठ रूप से ब्रिटिश में ब्राइट स्टेल में से ढके होते हैं माइट्स। कंपाउंड आइज, वैक्स में 4 जोड़ी पैर होते हैं जो 5 सिगमेंट में विभाजित होते हैं। 1 पेयर ऑफ एंटीना, एक जोड़ी इनके अंदर एंटीना पाई जाती है इंसेक्ट में। और 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स, 3 प्रकार के जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी। आगे के पैर चूसने वाले के रूप में पाए जाते हैं माइट्स में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो देखी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एंटोमोलॉजी में बेक आने की अधिक संभावनाएँ रहती है।